बुरहानपुर में नकली तेल बनाने का खेल बड़े पैमाने पर खेला जा रहा है, जो आम जनों के स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। बुरहानपुर में तेल में खेल जोरों पर चल रहा है। मार्केट में बिकने वाला खुला तेल, जिसकी खबर प्रमुखता से दिखाई थी, अब इसके बाद हमारी टीम ने एक ऐसी फैक्ट्री खोज निकाली जहां बड़ी बड़ी तेल फैक्ट्री से निकलने वाले सनफ्लावर के गाद से तेल और घी बनाया जा रहा है। बता दें कि ये गाद फेंकने योग्य है, जिसे लाकर यहाँ रिप्रोडक्टिव के रूप में तेल और घी बनाया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले में तेल मिलावट का व्यापार फल फूल रहा है। अगर बात करें देश की सरकारी एजेंसी यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो गत वर्ष अगस्त में सर्वे में पाया गया था कि 25% तेल मिलावटी है। FSSAI ने 4000 सैंपल लिए, जिसमें 24.2% सैंपल अमान्य पाए गए। यही नहीं, बुरहानपुर में गाद से तेल बन रहा है, ये कितना मानक या अमानक है, ये तो फूड एंड सेफ्टी की जाँच के बाद ही साफ हो पाएगा। तो वही चालक कहते हैं कि इसे सनफ्लावर तेल से निकली गाद यानी कि खल्ली से बनाया जाता है। साउथ का वैक्स आता है सनफ्लावर का, जो वेस्टेज होता है उसका ऑयल अपन निकालते हैं और उसको प्रोसेसिंग करते हैं कंपनी के अंदर, और वो निकाल के पैकिंग करके वो बेचते हैं। पहले खल्ली वगैरह निकलती थी, गाद निकलती थी, तो अपन ने मध्य प्रदेश में प्रोसेसिंग किया इसका, और फर्स्ट अपना मध्य प्रदेश में ही पाउडर का तेल निकालते हैं, उसका कुछ घी टाइप मटेरियल निकलता है, घी टाइप मटेरियल अपना साबुन में जाता है और तेल जो रहता है वो रिफाइनरी में इसमें यूजिंग हो जाता है। इस मामले में राजनीति से जुड़े लोगों का कहना है कि तेल कंपनियों में अमानक मापदंड के आधार पर जो तेल बनाया जा रहा है वो हानिकारक है। बुरहानपुर कांग्रेस के जिला प्रवक्ता निखिल खंडेलवाल और भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने भी मिलावट के खिलाफ जांच की मांग की है। तो वहीं कलेक्टर भव्या मित्तल ने खाद्य विभाग को भी जांच के निर्देश दिए हैं। SDM पाले में पल्लवी पौराणिक ने भी खाद्य विभाग के साथ संयुक्त राज्य का भरोसा दिलाया है। इतना ही नहीं, मौके पर तहसीलदार रामलाल पगार ने पहुंचकर मौका मुआयना भी किया और कई कमियां भी महसूस की, लेकिन मौके पर फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर की अनुपस्थिति के कारण बिना कार्यवाही के ही वापस लौटाए। काफी समय से आम जनमानस की शिकायतें आ रही थी, लोगों के जो मेडिकल रिपोर्ट्स है उससे भी यह साबित हो रहा था कि बुरहानपुर में तेल एवं अन्य खाद्य सामग्रियां जो है वो मिलावटी बेची जा रही है। अधिकांश दुकानों पर अधिकांश व्यावसायिक मुनाफाखोरी के चक्कर में, ज्यादा मुनाफे के चक्कर में जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, एवं काफ़ी सारी शिकायतों के बावजूद जिला प्रशासन और खाद्य अधिकारी, हमारे दूसरे अधिकारीगण कहीं ना कहीं खामोश हैं और व्यापारियों से कहीं साठगांठ हो सकती है, जिसकी वजह से वो इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। जी देखिए, अगर ये इस तरीके का तेल है जो गाद से बन रहा है, जैसा कि मुझे आप लोगों के द्वारा पता चला, तो ये जन स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी हानिकारक है। इससे कैंसर और अन्य बीमारियाँ उस व्यक्ति के शरीर में घर कर जाएंगी, और ये उचित नहीं है कि आप चंद पैसों के लिए, मुनाफाखोरी करने के लिए आप किसी के स्वास्थ्य के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ करें। यदि ऐसा कोई कार्य चल रहा है और अमानकों के आधार पर तेल का निर्माण हो रहा है, और ऐसा तेल जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो मानव का जीवन संकट उत्पन्न कर सकता है मानव के जीवन को, तो बिल्कुल ऐसे जो खाद्य पदार्थ बना रहे हैं, जो तेल पदार्थ बना रहे हैं, उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और खाद्य पदार्थों के अधिनियम जो हमारे सरकार द्वारा बनाया गया है, उसके आधार पर इनके खिलाफ निश्चित रूप से दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल इस पर कार्रवाई करवाएंगे। कोई भी व्यक्ति है, देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी पहले से कहते आ रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, यदि कोई गलत कार्य करता है तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति हो उसको नहीं छोड़ा जाए। आपके माध्यम से मुझे ये जानकारी में आया है कि मिस्टर के साथ बता रहे तेल के विक्रय के बारे में, हम अपने फूड सेफ्टी ऑफिसर से इसकी जांच कराते हैं कि जो भी तेल फूड आइटम के रूप में बिक रहा है उसको मानक है कि अमानक है, अगर अमानक होगा तो उसको कार्रवाई करेंगे। कहीं ना कहीं जो है रीपैकिंग यहाँ पर चल रहा है, तो उसको लेकर के कार्रवाई होगी, वो भी खाद्य विभाग के साथ मिलकर फिर हम कार्रवाई करेंगे। मेरे द्वारा भी मौका देखा गया, उनके द्वारा जो तेल बनाया जा रहा है उसके लिए उसको भी देखा गया। अब चूंकि फूड सेफ्टी ऑफिसर आज बाहर थे, वो मौके पर आ नहीं पाए, तो उसकी पूर्ण रूप से जांच कराएंगे और फूड सेफ्टी ऑफिसर के साथ ज्वाइंट मोशन करके हमारे साथ उसको कार्रवाई भी करेंगे। हाँ, अभी अब चूंकि मतलब फूड सेफ्टी ऑफिसर साथ में नहीं थे, उनके साथ एक बार ज्वाइंट निरीक्षण कर लेंगे
और जो जांच में पाया जाएगा उनके उससे नियमानुसार कार्रवाई करेगा। बुरहानपुर जिले में मिलावटी तेल का व्यापार बेखौफ फल फूल रहा है। अब हम बात करें गाद से तेल बनाना कितना मानक या अमानक है, तो ये तो फूड एंड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। एमके न्यूज की विशेष रिपोर्ट।